एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से देखें। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राजभवन के बाहर तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी का बेमियादी धरना जारी है और पश्चिम बंगाल के मनरेगा कोटे का पैसा कथित रूप से रोकने के मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी का यह धरना चल रहा है। अब टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल के हिस्से का पैसा रोक रखा है। इस मुद्दे पर टीएमसी ने 3 और 4 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था। अब अभिषेक बनर्जी कल से कोलकाता में राजभवन के बाहर धरना पर हैं, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि धरना प्रदर्शन कोई जरूरत नहीं, आइए घर के दरवाजे खुले हैं, घर पे आइए मुलाकात करिए। मनरेगा फंड के मुद्दे पर यह अभिषेक बनर्जी का धरना यानी टीएमसी का धरना। तो पश्चिम बंगाल में भी राजनीति लगातार सुलगती हुई। चलिए अब कोलकाता में क्या गतिविधियां इसको जानने और समझने का वक्त है। ऋतिक मंडल का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से। ऋतिक, क्या जानकारी है इसको लेकर, तस्वीरें भी दिखाएगा और जानकारी भी पहुंचाएगा। देखिए बिल्कुल अभिषेक बनर्जी की आज ये धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है जो है लगातार आंदोलन का जो बुलावा जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दी गई है। आज कुछ देर पहले अभिषेक बनर्जी फिलहाल धरना मंच पर पहुंच चुके हैं और जो कि बिल्कुल बंगाल के राजभवन के सामने है। दरअसल ये बंगाल की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी मानी जा सकती है क्योंकि हम जानते हैं कि इसी तरह आज से कुछ साल पहले जो शिंगूर आंदोलन हुआ था उस दौरान ममता बनर्जी उनकी अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया था। उस दिन लड़ाई कुछ और था, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस का जो सेकंड इन कमांड माना जा रहा है अभिषेक बनर्जी राज्य के लोगों की मांगों को लेकर लगातार अलग अवस्था पर है और जब तक राज्यपाल समय नहीं देंगे तब तक ये उस तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसा ये बुलावा दिया गया है। जिस तरीके से डेडलॉक जो बनी हुई है, देखिए राज्यपाल जब ये गवर्नर हाउस की तरफ तृणमूल कांग्रेस बढ़ रहे थे उस दौरान उत्तर बंगाल पर वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे बाढ़ प्रभावित इलाके को लेकर। उसके बाद वहां से राज्यपाल से भी आनंद बोस जो कि दिल्ली की तरफ चले गए, लेकिन आज अभी तक कोई पुष्टि जानकारी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि कब ये समय डेलीगेशन को देंगे। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो है बर्फ पिघलने का हम इंडिकेशन हम कह सकते हैं कि कल रात दी गई एक स्टेटमेंट के जरिए राज्यपाल ने कहा घेराव नहीं घर आइए, यानी वो बुलावा दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का पलट बार है कि आप घर तो वापस आइए, कोलकाता लौटिए, उसके बाद हम देखेंगे। जब तक राज्यपाल नहीं मिलते डेलीगेशन इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे अनर अटल वो है। फिलहाल हम देख सकते हैं कई सारे। चलिए ऋतिक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन इस बीच टीएमसी के जो राज्यसभा सांसद हैं शांतनु सेन, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की, हम सुनवाते हैं शांतनु सेन को। हमारे साथ है तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन। सर, हाल ही के मंजर में इस तरीके की बंगाल की राजनीति में इस तरीके का मंजर हमने नहीं देखा, जिस तरीके से कल अभिषेक बनर्जी ने फैसला घोषणा किया कि आज सुबह 11 बजे से फिर वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या कुछ आज होने वाला है, किस तरीके से रणनीतियां है तृणमूल कांग्रेस? नहीं, आपको यह मालूम है तृणमूल कांग्रेस बंगाल का आदमी का जो राइट्स है उस राइट्स के लिए फाइट कर रहा है। इसके पहले 5 अप्रैल को जब हम लोग संसद लोग अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में गिरिराज सिंह से मिलने गया, वो मंत्रालय में रहते हुए भी हम लोगों से मुलाकात नहीं किया, और उनका सेक्रेटरी लोग जब हमसे बात कर रहा था हम लोगों को बोल दिया कि हम लोगों को मालूम है कि बंगाल को पैसा मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या करें, बीजेपी के एमपी एमएलए बंगाल से आके हम लोगों को बोल के जाता है कि इनको पैसा मत दो। वो था 5 अप्रैल को। उसके बाद ममता बनर्जी जो देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है वो भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगी थी, उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं दी गया। उसके बाद हम लोग 2 या 3 का जो कर्मसूची था उसको रोकने के लिए बीजेपी क्या नहीं किया, अभिषेक बनर्जी को ईडी समन किया, ट्रेन लास्ट मोमेंट में एडवांस लेने का बाद भी बातिल कर दिया, कितनी सारा फ्लाइट को बातिल कर दिया, यूपी में कितने सारा बस को रुक के परेशान किया। इसके बावजूद भी हम लोग 2 तारीख का प्रोग्राम करने का बाद 3 तारीख, जबकि मंत्री पहले हम लोगों को बोला था कि 12 बजे आइए, अगला दिन रात को 10 बजे ईमेल करके बोला 12 बजे नहीं, हम एयरपोर्ट से आएंगे, 5 बजे हम लैंड करेंगे, अब 6 बजे आइए। बाद में यह पता चला वो भी एक झूठ था, क्योंकि 4 बजे वो लोड शेडिंग से जीता हुआ जो बंगाल का खिलाफ हमेशा बात करता है और शुभेंदु अधिकारी से मीट किया। उसके बाद हम लोग जब 6 बजे वहां पर पहुंचा, लगभग 2.5 घंटा हम लोगों को बिठा के रखने के बाद वो बैकडोर से भाग गया, और उसके बाद हम लोग कलकत्ता आके अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में कल इतना बड़ा लाखों आदमी का रैली किया। आपने ये देखे होंगे कि कल रैली में ऑर्गेनाइज पीपल जितना था उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा अनऑर्गेनाइज पीपल
अपने आप से आए हुए थे इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए।